रत्नाकनिया पोस्ट सीधा आ जाइए। टॉकिंग बुक्स और यूएलडी बेस आईएसएल डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAAF जैसी आधुनिक शुरुआत भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाएगी बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। साथियों, इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। चुनौतियां अनेक थी लेकिन आप सभी ने उन चुनौतियों को तेजी से समाधान भी किया। ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन एग्जाम, पहले ऐसे शब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। साथियों, अब समय है कि हम अपनी इन क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दे। सौभाग्य से आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्णय ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते देख रहा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है उस ओर मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये अभियान केवल पॉलिसी बेस्ड नहीं है बल्कि पार्टिसिपेशन बेस्ड है। NEP के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडेमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से, दान करने से बढ़ती है। विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी शिक्षकों ने भी हृदय से ये महसूस किया होगा, किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुख और संतोष होता है वो अलग ही होता है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को
अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। साथियों, अनादि काल से भारत में समाज की सामूहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है। ये अरसे तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और आपने ये देखा होगा और देखा है कि बीते कुछ वर्षों में जन भागीदारी अब फिर भारत का नेशनल कैरेक्टर बनता जा रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में जन भागीदारी की ताकत से भारत में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चाहे स्वच्छता आंदोलन हो, गिव इट अप की स्पिरिट से हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, गरीबों को डिजिटल लेन देन सिखाना हो, हर क्षेत्र में भारत की प्रगति ने जन भागीदार से ऊर्जा पाई है। अब विद्यांजलि भी इसी कड़ी में एक सुनहरा अध्याय बनने जा रही है। विद्यांजलि देश के हर नागरिक के लिए आह्वान है कि वो इसमें भागीदार बने, देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, दो कदम आगे आएं। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप कहीं आईएएस ऑफिसर बनकर के कहीं कलेक्टर के रूप में कहीं काम करते हो, फिर भी आप किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं। आपके जरिए उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती है। आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं। कोई बैंक का रिटायर्ड मैनेजर है लेकिन उत्तराखंड में दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है निवृत्ति के बाद। कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा है लेकिन गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवा रहा है। यानी आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो, सफलता की किसी भी सीढ़ी पर हो, युवाओं के भविष्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है। अभी हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे युवा इनसे कितना प्रेरित हुए हैं। मैंने अपने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर खिलाड़ी कम से कम 75 स्कूलों में जाए। मुझे खुशी है इन खिलाड़ियों ने मेरी बात को स्वीकार किया है और मैं सभी माननीय शिक्षक गण से कहूंगा, आचार्य गण से कहूंगा
कि आप अपने इलाके में इन खिलाड़ियों से संपर्क कीजिए, उनको अपने स्कूल में बुलाइए, बच्चों के साथ उनका संवाद करवाइए। देखिए इससे हमारे स्टूडेंट्स को कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितने प्रतिभावान स्टूडेंट्स को खेलों में आगे जाने का हौसला मिलेगा। साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण शुरुआत स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAA ऐप के माध्यम से भी हो रही है। अभी तक देश में हमारे स्कूलों के लिए, एजुकेशन के लिए कोई एक कॉमन साइंटिफिक फ्रेमवर्क ही नहीं था। कॉमन फ्रेमवर्क के बिना शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे कि करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस प्रोसेसेस, इन सभी के लिए स्टैंडर्ड बनाना मुश्किल होता था। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्कूलों में स्टूडेंट्स को शिक्षा में असमानता का शिकार होना पड़ता है। लेकिन SQAA अब इस खाई को पाटने का काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस फ्रेमवर्क में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी राज्य के पास होगी। स्कूल्स भी इसके आधार पर अपना मूल्यांकन खुद ही कर सकेंगे। इसके आधार पर स्कूलों को एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकेगा। साथियों, शिक्षा में असमानता को खत्म करके उसे आधुनिक बनाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर यानी NDAR की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। जैसे UPI इंटरफेस ने बैंकिंग सेक्टर को रिवर्सलाइज कर दिया है, वैसे ही NDAR सभी एकेडमिक एक्टिविटीज के बीच एक सुपर कनेक्ट का काम करेगा। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हो या हायर एजुकेशन में एडमिशन, मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था हो या एकेडमिक क्रेडिट बैंक और छात्रों की स्किल्स का रिकॉर्ड, सब कुछ NDAR के जरिए आसानी से उपलब्ध होगा। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे न्यू एज एजुकेशन का चेहरा भी बनेंगे और क्वालिटी एजुकेशन में भेदभाव को भी खत्म करेंगे। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि किसी भी देश की प्रगति के लिए एजुकेशन न केवल इंक्लूसिव होनी चाहिए बल्कि इक्विटेबल भी होनी चाहिए। इसलिए आज देश टॉकिंग बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसी तकनीक को शिक्षा का हिस्सा बना रहा है। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यानी UDL पर आधारित 10,000 शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को भी विकसित किया गया है। असम के बिहू से लेकर भारतनाट्यम तक सांकेतिक भाषा हमारे यहां सदियों से कला और संस्कृति का हिस्सा रही है। अब देश पहली बार साइन लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहा है ताकि जिन मासूम बच्चों को इसकी विशेष जरूरत है वो किसी से पीछे न रह जाए। ये तकनीक दिव्यांग युवाओं के लिए भी
एक नई दुनिया का निर्माण करेगी। इसी तरह निपुण भारत अभियान में 3 वर्ष से 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी मिशन लॉन्च किया गया है। 3 साल के उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्यतः प्री स्कूल शिक्षा प्राप्त करें, इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इन सभी प्रयासों को हमें काफी आगे तक लेकर जाना है और इसमें आप सभी की, विशेष करके हमारे शिक्षक मित्रों की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दृष्टांतो नैव दृष्टः, त्रिभुवन जठरे सद्गुरोः ज्ञानदातु, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में गुरु की कोई उपमा नहीं होती, कोई बराबरी नहीं होती। जो काम गुरु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज देश अपने युवाओं के लिए शिक्षा से जुड़े जो भी प्रयास कर रहा है उसकी बागडोर हमारे इन शिक्षक भाई बहनों के ही हाथों में है। लेकिन तेजी से बदलते इस दौर में हमारे शिक्षकों को भी नई व्यवस्थाओं और तकनीकों के बारे में तेजी से सीखना होता है। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम से, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के का एक अच्छा सा निष्ठा आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया। इस निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए देश अपने टीचर्स को इन्हीं बदलावों के लिए तैयार कर रहा है। निष्ठा 3.0 अब इस दिशा में एक और अगला कदम है और मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूं। हमारे टीचर्स जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, आर्ट इंटीग्रेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग और क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तौर तरीकों से परिचित होंगे तो भविष्य के लिए युवाओं को और सहजता से गढ़ पाएंगे। साथियों, भारत के शिक्षकों में किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की क्षमता तो है ही, साथ ही उनके पास अपनी विशेष पूंजी भी है। उनकी विशेष पूंजी, ये विशेष ताकत है उनके भीतर के भारतीय संस्कार। और मैं आपको मेरे 2 अनुभव बताना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री बनकर के जब पहली बार भूटान गया तो वहां का राज परिवार हो, वहां के शासकीय व्यवस्था के लोग हो, बड़े गर्व से कहते थे कि पहले हमारे यहां करीब करीब सभी टीचर्स भारत से आते थे और यहां के दूर सुदूर इलाकों में पैदल जाकर के पढ़ाते थे। और जब ये शिक्षकों की बात करते थे, भूटान का राज परिवार हो या वहां के शासक, बड़ा गर्व अनुभव करते, उनकी आंखों में चमक नजर आती थी। वैसे ही जब मैं सऊदी अरेबिया गया और शहर सऊदी अरेबिया के किंग से जब बात कर रहा था तो वो इतने गौरव से मुझे उल्लेख कर रहे थे कि मुझे भारत के शिक्षक ने पढ़ाया है, मेरा शिक्षक भारत का था। अब देखिए, शिक्षक के प्रति कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे उसके मन में क्या भाव होता है। साथियों, हमारे शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र पवित्र और नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है। और ये रिश्ता, ये संबंध
पूरे जीवन का होता है। इसलिए भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद तैयार करना है और इन संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। जो स्पिरिट आपने अभी तक दिखाई है उसे हमें अब और ऊंचाई देनी होगी और हौसला देना होगा। मुझे बताया गया है कि शिक्षक पर्व के इस अवसर पर आप आज से 17 सितंबर तक, 17 सितंबर हमारे देश में विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये विश्वकर्मा अपने आप में निर्माता है, सृजनहार है। तो 7 तारीख से 17 तारीख तक अलग अलग विषयों पर वर्कशॉप सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। ये आपने अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। देश भर के इतने टीचर्स, एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स जब एक साथ मंथन करेंगे तो इससे विचारों का एक नया अमृत निकलेगा और आजादी के अमृत महोत्सव में इस अमृत की अहमियत और ज्यादा है। आपके इन सामूहिक मंथन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में भी काफी मदद मिलेगी। मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग अपने शहरों में, गांवों में भी स्थानीय स्तर पर प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में सबके प्रयास से देश के संकल्पों को नई गति मिलेगी। अमृत महोत्सव में देश ने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हम सब मिलकर हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षकों साथ संवाद करी रहा था। अलग अलग शिक्षक नीतियों विषय बातचीत करी रहा था। शिक्षण ना जे मॉडल्स आया है अलग अलग तेना विषय बातचीत करी रहा था। अने कई रीते पाछला समयगाड़ा में शिक्षण ना धोरण में शिक्षण ना स्तर में जे बदलाव आव्यो छे तेने लईने पण तेओ वाचित करी रहा हता। साथे जे शिक्षकों ने पुरस्कार मळ्यो छे तेओने अभिनंदन पाठव्या हता। विद्यांजलि पोर्टल नो तेमणे प्रारंभ कराव्यो छे। शिक्षकों साथेना संवादमां तेमणे विद्यांजलि पोर्टल नो पण प्रारंभ कराव्यो छे। अने कई रीते शिक्षण आजकालना समयगाळामां बदलाई रह्युं छे, कई रीते नवी नवी टेक्निक अने नवी नवी पद्धतिओना आधारे बाळकोने शिक्षण में रस लेता करी शकाय ए अंगेनी पण वातचीत प्रधानमंत्री करी रह्या हता। तो साथे ज तेमणे एम पण कह्युं के शाळाओ चोक्कसपणे खोली देवामां आवी छे, विद्यार्थीओमां उत्साह जोवा मळी रह्यो छे, परंतु शाळामां कोरोनानी गाइडलाइननुं पालन करवुं फरजियात छे। साथे ज तेमणे कह्युं के देश माटे नवी शिक्षण नीतिनी खूब ज जरूरियात छे। अत्यारे हालना समयगाळामां शिक्षकोए जे मुश्किल परिस्थितिमां कामकाज कर्युं छे तेने पण प्रधानमंत्रीए बिरदाव्युं हतुं। साथे ज कह्युं के राष्ट्र निर्माणमां शिक्षकोनुं जे योगदान छे ते अमूल्य छे। આગળ વધીએ મહેસાણામાં કાર ચાલક સાથે